दोस्तों आज बात करने वाला हूँ फेसबुक पेज का बारे में। अगर आप लोग फेसबुक पेज यूज़ कर रहे हो तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना लास्ट तक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ सेटिंग बताने वाला हूँ फेसबुक पेज का बारे में, और फेसबुक पेज को कैसे आप लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कैसे फेसबुक पेज का होम पेज को आप लोग कस्टमाइज़ करना है और कैसे कर सकते हैं आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग फेसबुक पेज यूज़ कर रहे हो और आप लोगों को यह सब पता नहीं है तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हो। इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग भी बताने वाला हूँ जो आप लोग करोगे तो आपका फेसबुक पेज के लिए काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, आपका फेसबुक पेज काफ़ी इंक्रीज होगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखना ज़रूर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमीरुद्दीन, आप देख रहे हो टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या वो सेटिंग है और क्या कुछ आप लोगों को करना चाहिए अपना फेसबुक पेज में। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। पहले आप लोगों को फेसबुक ऑन कर लेना है। फेसबुक ऑन करके आप लोग यहाँ पे साइट कर्नर पे क्लिक करके आपका पेज में जाना है। कर्नर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपका पेज दिखाई देगा, तो आप लोग आपका पेज पे लॉगिंग हो जाना है, आपका पेज में आ जाना है। तो आप लोग ये पेज में क्लिक करना, क्लिक करने के बाद में आपका जो पेज है पेज में आप आ जाओगे, यहाँ पे पेज में आ जाओगे तो यहाँ पे आप लोग सेटिंग करना है, सेटअप करना है। तो यहाँ पे सेटअप करने के लिए आप लोग यहाँ पे ऊपर थ्री डॉट देख सकते हो, थ्री डॉट पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो एडिट पेज, एडिट पेज पर यहाँ पे आप लोग क्लिक करना है। एडिट पेज पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे पूरा सेटिंग आ जाएगा, आप लोग सब कुछ सेटिंग यहाँ पे कर सकते हो। पहले नंबर में आता है दोस्तों पेज हेडर। तो पेज हेडर में यह आपका जो हेडर में जो फोटो है, इमेज है, यह इमेज को आप लोग चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, नया इमेज लगा सकते हैं, नया फोटो लगा सकते हैं, आपका प्रोफाइल में भी लगा सकते हैं और प्रोफाइल का बैकग्राउंड में भी लगा सकते हैं, इसमें आपका फ़ोटो चेंज कर सकते हैं। दूसरा आता है दोस्तों यहाँ पे आपका पेज इन्फो। तो पेज इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आता है, पेज इन्फॉर्मेशन आपका पेज में आप जब पेज ओपन किया था, ओपन करते वक्त क्या क्या दिया था, वो कुछ चेंजिंग करना चाहते हो, आपका वेबसाइट दिया था या ईमेल आईडी दिया था या जो भी कुछ दिया था वो चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करके चेंज कर सकते हो। पेज इन्फो पे आप लोग क्लिक करना है। पेज इन्फो पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपका वो पूरा डिटेल्स आ जाएगा, पेज का नाम, या फिर यहाँ पे ऊपर देख सकते हो आपका इंस्टाग्राम कनेक्ट कर सकते हो, फेसबुक से इंस्टाग्राम कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आपका नाम चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आपका कैटेगरी चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, वेबसाइट चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन आप जो भी लिखा है डिस्क्रिप्शन भी आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं, जीमेल आईडी चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं एड्रेस, जो कुछ करना है आपका जो पर्सनल एक प्रोफाइल में जो कुछ रहता है प्रोफाइल का पूरा डिटेल्स यहाँ पे आप लोग भर सकते हैं, या फिर आप लोग कुछ कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और कुछ चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे। तीसरा नंबर में आता है दोस्तों बटन। यहाँ पे आप लोग बटन, आपका फेसबुक का होम पेज में बटन है, यहाँ पे आप लोग बटन लगा सकते हैं, चार बटन लगेगा, एक होगा लाइक का, एक होगा फॉलो का, ये दोनों आप चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पे आपका एक देख सकते हो मैं लगाया, एक ईमेल लगाया और एक लगाया शेयर का बटन, ये दोनों बटन आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके ये दोनों बटन आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग जो लगाना चाहो वही लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे जीमेल लगा दिया तो जीमेल रिमूव करो तो दूसरा बहुत सारे बटन आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हो, ये सब कुछ आप लोग लगा सकते हैं, यहाँ पे फ़ोन नंबर भी लगा सकते हैं, कोई भी आपका ये बटन में क्लिक करके आपको कॉल कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पे शेयर बटन लगा सकते हैं या फिर शेयर के अलावा और कुछ भी लगा सकते हो। और यहाँ पे ऊपर देख सकते हो मैसेंजर बटन, तो यहाँ पे मैं मैसेंजर बटन लगाया हूँ, कोई भी यहाँ पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट मेरा मैसेंजर में चला जाएगा, मैसेंजर में जाके मैं उसे कॉन्टैक्ट कर पाएगा। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे एडिट कर सकते हो। एडिट करने के बाद में आता है दोस्तों यहाँ पे फ़ोन नंबर में आता है टैब। तो टैब में भी ऐसे ये होम बटन का डिज़ाइन आता है, होम बटन का नीचे एक रहता है डिज़ाइन, अलग अलग बटन दिया हुआ रहता है, ये बटन आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हो, लगा सकते हो किसको कहाँ पे लगाना, यहाँ पे आप लोग ऐसे दबा के चेंज कर सकते हो, या भी से आप लोग एक बार दबा के रखोगे ये चेंज होते रहेगा, तो आप लोग यहाँ से ये चेंज कर सकते हैं और ये ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग कोई भी डायरेक्ट क्लिक करेगा तो यहाँ पे वीडियो में क्लिक करेगा तो डायरेक्ट आपका जितना भी वीडियो है सभी वीडियो में चला जाएगा, और फोटो में क्लिक करेगा तो फोटो में चला जाएगा, कोई शॉपिंग ऐड करके रखा तो शॉपिंग में क्लिक करेगा तो शॉपिंग में चला जाएगा। ऐसे आप लोग ये ऐड कर सकते, एडिट कर सकते। ऊपर यहाँ पे देख सकते हो यूज डिफॉल्ट में रखोगे तो डिफॉल्ट में आ जाएगा, पहले जैसे नया होता है ऐसे ही हो जाएगा। एडिट में करें तो यहाँ पे आप लोग एडिट कर सकते, यहाँ पे आप लोग ऐसे क्लिक करके चेंजेस कर सकते, सब कुछ कर सकते, यहाँ पे आप लोग चेंजेस कर सकते हो ऐसे ही। दोस्तों ये हो गया आपका जो फेसबुक पेज है, पेज का होम पेज का डिज़ाइन, ये सेटिंग नहीं है, ये डिज़ाइन है, आप लोग ये कस्टमाइज है, ये आपका फेसबुक पेज को कस्टमाइज कर सकते। ये चार पाँच
तरीका है ये आपका फेसबुक को कस्टमाइज करने का, आपका फेसबुक पेज को कस्टमाइज करने का। अब भी चलते हैं सेटिंग में, आप लोग क्या सेटिंग क्या क्या कर सकते हो, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। सेटिंग रहता है तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करना, नंबर 5 में आता है सेटिंग, तो सेटिंग पर क्लिक करने का बाद में यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे सेटिंग मिल जाएगा। आपका फेसबुक पेज को आप जैसे चाहोगे ऐसे कर सकते हो, जो भी चाहोगे कर सकते हो, बहुत सारे सेटिंग है। तो मैं इतना सेटिंग में नहीं जाऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं खाली आप लोग को यहाँ पे जनरल सेटिंग के बारे में बताऊंगा, पहले का सेटिंग। अगर आप लोग पूरा सेटिंग के बारे में जानना चाहते हो, नीचे का ये जितना सेटिंग है ये जानना चाहते हो, तो इसके बारे में मैं और एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग जानना चाहते हो आप, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग का कमेंट आया तो, रेस्पॉन्स आया तो मैं और एक वीडियो बनाऊँगा। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ये पूरा सेटिंग के बारे में डेडिकेटेड और एक वीडियो बना के बता दूंगा। तो पहले चलते हैं जनरल में। जनरल में जाने के बाद में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग रहता है, यही बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे फर्स्ट नंबर में आता है, यहाँ पे आपका पेज को पिंग करके आप लोग बुक मार्क करके रख सकते हैं, या भी आपका फेवरेट कुछ भी आप लोग बुक मार्क करके रख सकते हैं। दूसरा नंबर में यहाँ पे आता है आपका मैसेज का इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप लोग ये ऑफ करके रखो तो कोई भी आपको मैसेज नहीं कर पाएगा, मैसेंजर में आपको कोई भी मैसेज नहीं कर पाएगा। ये आप लोग ऑन करके रखना है, तो ऑन करके रखे तो कोई भी आपको कॉन्टैक्ट कर पाएगा, आपका उसमें मैसेज कर पाएगा, आपसे बात कर पाएगा, ये ऑन करके रखना है। यहाँ पे और एक आता है फॉलो पोस्ट एंड स्टोरीज शेयरिंग टू स्टोरीज, तो आप लोग यहाँ पे आता है दोस्तों, ये आपका जो भी आपका फेसबुक पेज में आप डालोगे आपका स्टोरीज फोटो या वीडियो इमेज जो भी डालोगे स्टोरीज में, ये अगर ऑफ है तो कोई भी आपका ये शेयर नहीं कर पाएगा, खाली देख पाएगा। अगर ये ऑन करके आप रख दिया तो ये जो भी देखेगा वो शेयर कर पाएगा, वो दूसरा पोस्ट दूसरा आदमी के साथ में शेयर कर पाएगा, या फिर उनका ही फेसबुक पेज में फेसबुक में अकाउंट में शेयर कर पाएगा या शेयर कर सकता है। आपका फेसबुक में फॉलोवर बढ़ेंगे या आपका फ़ायदा भी होगा, आपका पोस्ट ज़्यादा दूर तक ज़्यादा लोगों के पास फैलेगा। ये ऑन करके रखना, ये ऑफ करके कभी भी नहीं रखना। ऑफ़ करके रखो तो कोई भी शेयर नहीं कर पाएगा आपका किसी भी आइटम को और किसी भी फोटो को किसी भी इमेज को किसी भी वीडियो को कोई भी शेयर नहीं कर पाएगा, ये ऑफ है तो आप लोग ये ऑन करके रखना है। यहाँ पे आता है दोस्तों पेज रिमूव, तो आप लोग रिमूव पेज, अगर आपने आपका जो पेज बनाया है डिलीट करना चाहते हो रिमूव करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करके ये रिमूव कर सकते हो। आप लोग का पेज को आप लोग यहाँ पे रिमूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके आप डिलीट करना चाहते हो तो आप लोग डिलीट कर सकते हो। तो आप लोगों को ये आप लोग कराए, अगर आप लोग डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे आता है पेज, तो यहाँ पे आता है पेज का दोस्तों, ये पब्लिश करके भी रख सकते हो, अनपब्लिश करके भी रख सकते हो, विजिटेबल पेज विजिटेबल, तो यहाँ पे आता है पेज विजिटेबल। यहाँ पे आप लोग अगर यहाँ पे रखोगे तो आपका फेसबुक पेज जो किसी का मोबाइल में सर्चिंग में शो नहीं करेगा, सर्चिंग में नहीं आएगा और कोई भी ढूंढ के भी नहीं पाएगा, कुछ भी आप अपलोड करोगे ये पब्लिश नहीं होगा, खाली आपका पेज में रहेगा। आप लोग यहाँ पे पब्लिश करके रखना है आपका पेज को, पब्लिश लोगों का तो पास पहुंचेगा या फिर लोगों कोई भी सर्च करे तो आपका पेज का नाम पे तो उनका पास जाएगा। या पे आप लोग अगर आपका फेसबुक में फॉलोवर कुछ भी नहीं बढ़ रहा है, सर्चिंग में नहीं आ रहा है, तो आप लोग यहाँ पे एक बार आके चेक कर लेना, ये पब्लिश करके रख देना, तो आपका उसमें फॉलोवर बढ़ते रहेंगे, आपका उसमें ये पेज सर्चिंग में आते रहेगा, सर्चिंग में आएगा। तो बस दोस्तों ये था कुछ सेटिंग फेसबुक पेज का बारे में, फेसबुक पेज में आप क्या क्या कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट सेटिंग था वो मैं बता दिया। और फिर भी अगर आप लोग और कुछ भी सेटिंग के बारे में जानना चाहते हो, या फिर आप लोग को ये वीडियो देख के कुछ भी समझ में नहीं आया, कहीं भी कन्फ्यूज़ है, कहीं भी कन्फ्यूज़ रह गया, कुछ भी आप लोगों को डिटेल्स में पता नहीं चला है, आप लोग फिर नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और किस चीज़ के बारे में आप लोगों को पता नहीं चला, कौन सा चीज़ में आप लोग कन्फ्यूज़ है, आप लोगों को सेटिंग करने नहीं आया, आप लोग ज़रूर नीचे मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसके बारे में एक वीडियो फिर से बना दूंगा। और कमेंट में समझा सकता हूँ तो मैं कमेंट भी करके आप लोगों को रिप्लाई करके जवाब दे दूँगा जो भी कमेंट करोगे। और दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाना, और हो सके तो अपना ही टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप लोगों को मिलते रहेगा। साइड में जो बेल आइकन आएगा उसको भी दबा देना, नहीं तो आप लोगों को कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। अगर आप लोग ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर देना, ताकि वहाँ पर भी आप लोग को ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। और इंस्टाग्राम ट्विटर में भी फॉलो कर लेना, वहाँ पर भी मैं पोस्ट डालते रहता हूँ, आप लोगों को मिलते रहेगा। तो दोस्तों ये था कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ जानकारी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी चीज़ सीखने को मिला होगा, काफ़ी चीज़ जानकारी मिला होगा, जानने को मिला होगा। अगर आप लोगों को और कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप लोग बेशक नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा, नहीं तो इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।